बुलेटिन में सबसे पहले हम बताते हैं कि आज देशहित में आपके लिए खास क्या है। हमारी पहली खबर बीजेपी के मिशन दक्षिण से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केसीआर के गढ़ में जाकर कमल खिलाने का संदेश दिया। अमित शाह ने केसीआर की सरकार पर कड़ा प्रहार किया। बीजेपी ने किस तरह राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के फॉर्मूले के आधार पर तेलंगाना में कमल खिलाने की रणनीति बनाई है, ये हम आपको बताएंगे। देशहित में दूसरी खबर भी तेलंगाना से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। सीएम योगी ने हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात करती रही है। सवाल है कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद हैदराबाद का नाम और तेलंगाना की किस्मत दोनों बदल जाएगी। इसके बाद हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे। महाराष्ट्र में आज विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार की हार हुई, लेकिन शिवसेना पर कब्जे के लिए दोनों गुटों के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम आपको ये खबर भी विस्तार से बताएंगे। बात होगी अमरावती में दवा व्यापारी की हत्या को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश में उनका करीबी दोस्त शामिल था। उमेश का दोस्त डॉक्टर है जिसका काम जिंदगी देना है, लेकिन उसके इशारे पर उमेश कोल्हे का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे और आतंक के 40 चेहरे कौन हैं? विस्तार से इन खबरों पर आपको जानकारी देंगे। पहली बड़ी खबर, हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन था। बैठक के समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं को जनता से जुड़ने का मंत्र दिया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति का पूरा रोड मैप सामने रखा। उन्होंने एजेंडा भी तय कर दिया कि अब उन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनानी है जहां पार्टी सत्ता में कभी नहीं रही। इसकी शुरुआत तेलंगाना से ही होने जा रही है, यह भी तय हो गया। कार्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद बीजेपी ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में बड़ी रैली की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार की जरूरत बताई। जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जागरण खुद ही रास्ता बना रही है। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, हमारी सरकार ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार पर सीधा हमला करने से परहेज किया, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने टीआरएस और केसीआर को सीधे ललकारा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वंशवाद के दिन लदने वाले हैं। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में विजय संकल्प सभा में अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना सरकार की असली कमान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। केसीआर का पार्टी का निशान क्या है? गाड़ी है ना, गाड़ी है ना, निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है।
अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर अंधविश्वासी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से केसीआर सचिवालय नहीं जाते हैं। 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए गए हैं क्या? और जोर से बोलो गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताऊं आपको, एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं तेलंगाना के युवाओं को कहना चाहता हूं, जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? अरे केसीआर सुन लो, अब मत जाना सचिवालय। अगली बार सचिवालय जाने का टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का है। अमित शाह ने भरोसा जताया कि 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कमल जरूर खिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा शासित सभी राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। तेलंगाना का ऋण बढ़ रहा है, प्यास बुझती नहीं है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्री आती नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तेलंगाना पीछे जा रहा है। यह परिस्थिति तेलंगाना के लिए अच्छी नहीं है। मैं आप सबको अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा का साथ दीजिए और टीआरएस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टीआरएस ने जो नहीं किया वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का राजनीतिक एजेंडा तय हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया उसमें साफ कर दिया गया है कि बीजेपी अब जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मा करने के लिए जी जान लड़ाएगी। बीजेपी ने उदयपुर जैसी घटनाओं के लिए भी तुष्टीकरण की राजनीति को ही जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस को इसके लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और अंतिम दिन सबकी निगाहें गृह मंत्री अमित शाह पर थी, जिन्हें राजनीतिक प्रस्ताव पेश करना था। राजनीतिक प्रस्ताव यानी पार्टी का वो एजेंडा जो आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति का केंद्र बनने वाला है। ये देश को अगर हम विश्वगुरु बनाना है तब ये देश को जातिवाद, वंशवाद और पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट का राजनीति से ऊपर आना है। So, अगर हम तुष्टीकरण का राजनीति को खत्म कर देता हूं तो कम्युनलिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव पास होने की जानकारी देने आए असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का सामना देश में चल रहे नफरत के तालिबानी दौर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि गृह मंत्री के भाषण में इसका जिक्र भी था। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए, अमित शाह जी ने ये विरोधी जो अभी वातावरण है उनका ऊपर बोला। अगर कांग्रेस ने ये देश में तुष्टीकरण का राजनीति का शुरुआत नहीं करता था, टुडे वी वुड नॉट हैव डिस्कस एनीथिंग लाइक उदयपुर और एनी इंसिडेंट। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा भी पेश किया। 8 साल में मोदी जी के शासन में प्राणवाद, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्ति मिले हैं। उपलब्धियों में आर्टिकल 370 और 3 तलाक खत्म करने से लेकर CAA कानून बनाने और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने तक का जिक्र हुआ। आर्थिक मुद्दों पर प्रस्ताव एक दिन पहले ही पास हो चुका था, लेकिन विपक्षी पार्टियों को ना तो राजनीतिक प्रस्ताव में कुछ नया दिखा और ना ही आर्थिक प्रस्ताव में। भारत की विकास दर 8.2% प्लस है,
भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई हुआ है, भारत में एफडीआई रिकॉर्ड आया है और भारत में गरीबों की संख्या में भी कमी आई है। देर आर सो मेनी इश्यूज बट दे आर नॉट डिस्कसिंग, दे आर टोटली दे आर सप्रेसिंग दैट फैक्ट्स दैट रियल इश्यूज, दे ओनली डिस्कसिंग अबाउट द हाउ टू कम इन टू द पावर इन 2024, दैट इज द ओनली एजेंडा। वही हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ज्यादा चर्चा बीजेपी और टीआरएस की तलखी की ही होती रही। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में पीएम की आगवानी के लिए नहीं पहुंचे और उनकी पार्टी ने पोस्टरबाजी करके बीजेपी के रंग में भंग डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे तेलंगाना में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की जंग का ट्रेलर ही माना जा रहा है, जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीआरएस से सीधी टक्कर के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का टारगेट भी पहले से तय था। तेलंगाना में 1.5 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी वहां टीआरएस से टकराने की जमीन लोकसभा चुनाव के बाद से ही तैयार करने में जुटी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया कि बीजेपी तेलंगाना में अगला चुनाव अपनी सरकार बनाने के संकल्प के साथ ही लड़ेगी। हैदराबाद के जिस कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उसी के एक हिस्से में तेलंगाना बीजेपी ने एक प्रदर्शनी भी लगाई। इस प्रदर्शनी में तेलंगाना में बीजेपी की तैयारियों की झांकी थी। तेलंगाना में 8 साल से के चंद्रशेखर राव की सरकार है, जो तेलंगाना को अलग राज्य बनवाने की लहर पर सवार होकर ही सत्ता में पहुंचे थे। अब तक तेलंगाना के लोगों को यही लगता था कि अलग राज्य बनवाने की लड़ाई अकेले केसीआर और उनकी पार्टी टीआरएस ने ही लड़ी, लेकिन बीजेपी ने अब इसका श्रेय लेने की लड़ाई भी छेड़ दी है। शानदार प्रदर्शनी का आयोजन जो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत देकर, स्थानीय लोगों ने इसका हिस्सा बन के एक मूवमेंट खड़ी करके एक राज्य बनाने का काम किया था। इस प्रदर्शनी में उन शहीदों को भी नमन करने का अवसर मिला। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव में भी ये साफ हो गया है कि जिन राज्यों में पार्टी अभी सत्ता से दूर है, वहां सरकार बनाने के लक्ष्य पर काम होगा। इसकी शुरुआत भी तेलंगाना से ही होगी। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी परिवारवाद राजनीति से मुक्ति मिलेगा। बंगाल, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बनेगा। टीआरएस और के चंद्रशेखर राव की जो बेचैनी हैदराबाद में पोस्टर वॉर के रूप में सामने आई, उस पर बीजेपी ने सीधा प्रहार किया। बीजेपी नेता ये हुंकार भी भरने से नहीं हिचके कि तेलंगाना में टीआरएस की सत्ता की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केसीआर की सरकार बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और आज इस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से जनता का समर्थन, चाहे वो नड्डा जी को उनके रोड शो में मिला हो, चाहे वो हमारे तमाम जो नेता है जो 119 विधानसभा पहुंचे उनको मिला हो। दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार पहले कर्नाटक तक ही सीमित थी, अब वो पुदुचेरी में भी सत्ता में हिस्सेदार है और तेलंगाना में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी को महसूस होने लगा है कि यहां सत्ता में आने का सपना पूरा करना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाने के दावे की बुनियाद क्या है, इसे समझने के लिए आपको वहां के चुनावी राजनीति में पिछले 4 साल में हुए बदलाव का अंकगणित हम आपको बताते हैं। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना की 21 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। दिसंबर 2020 में हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 150 में से 48 वार्ड में जीत दर्ज की। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और टीआरएस के बीच वोटों का अंतर 10,000 से भी कम का था और यही वजह है कि बीजेपी इन शानदार प्रदर्शन के बाद अब तेलंगाना ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में यहां से अपनी जीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाना चाहती है।